अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। माशाल्लाह सर्दियाँ हैं, सर्दियों का मौसम है, सब खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह ज़िंदगी से तंदरुस्ती से नवाजे। तो आज मिसेस हिना जो हैं वो जी चलें एक और डिश बनाती हैं आपके लिए, बंद गोभी और गोश्त। बंद गोभी सैलड में पड़ती है, बंद गोभी सूप में इस्तेमाल होती है, तो सालन भी इसका बहुत मज़े का बनता है। ठीक है जी, तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए कोई ज़्यादा नहीं है, कम चीज़ें हैं और बहुत मज़े का सालन बनता है। तो ज़रूर बनाइएगा, फिर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। तो उसके लिए ये मैंने 500 ग्राम जो है वो गोश्त ले लिया जी। उसके बाद आप आ जाएं जी, एक प्याज है वो मैंने उसको लेके स्लाइस कर लिया, 9 जवे लहसुन के हैं, ठीक है जी, और डेढ़ जो है खाने का चम्मच लाल मिर्चा कुटी हुई, एक जो है खाने का चम्मच नमक है, इसमें नमक ज़रा ज़्यादा जाएगा, ये फीकी होती है आपको पता ही है, या टू टेस्ट कर लें, ठीक है, और एक जो है चाय का चम्मच हल्दी जाएगी, ठीक है, और एक किलो गोभी। इसको लेके जितनी आप पनीर काटेंगी उतनी ही मज़े की बनेगी और उतनी ही जल्दी भी बनेगी, ठीक है। तो इस पर थोड़ी सी मेहनत है, ज़्यादा नहीं है, इसमें टमाटर दही कोई ऐसी और चीज़ तीसरी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इवन ये कि अदरक भी आप इस्तेमाल ना करें, फूल गोभी में पड़ता है, इसमें इतना अदरक का कोई काम नहीं, ठीक है। इसका टेस्ट बरकरार रखने के लिए एंड पे हम जो है हरी मिर्ची और हरा धनिया डालेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। कुकर मैंने रखा है और इसमें जो है हम ये तकरीबन एक बड़े वाला जो है ना, ये बड़े वाला एक मग है जिसका पानी का मैं डाल दूंगी। सबसे पहले हम गोश्त गलाएंगे, ठीक है, और गोश्त हमें इतना गलाना है कि इसमें मैंने गर्म पानी डाला है, मैं आपको ये भी बता दूं, गर्म पानी डाला है ताकि इसमें जल्दी जल्दी जो गोश्त है ना वो डालूंगी तो जल्दी से वो गल जाएगा। अच्छा, गोश्त को आपने इतना गलाना है कि जब हम बाद में गुंजाइश रखनी है कि गोभी जो है उसमें डालनी है तो वो भी उसमें भी गल जाए, ठीक है जी। उस हिसाब से गोश्त को जब धो लें अच्छी तरह सारा कुछ करने के बाद, फिर भी आप एक एक बोटी उठा के डाला करें, उसका एक अच्छी बात है कि ना डालें तो बेहतर है। इसके साथ ही जो है वो प्याज डाल दिया, ये गलाना जो है हमने, और ये साथ ही जो है लहसुन डाल दिया, ठीक है। अब इसमें जी ये नमक मैंने डाल दिया है, ये मिर्चें डाल दी हैं और ये हल्दी डाल दी है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें इसमें डाल गई हैं। अब इसको मैं क्या करूँगी कि हिला के ज़रा मिक्स करके तो इसको मैं वेट लगा दूँगी 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। आप जितना गोश्त को टाइम देती हैं आपको पता होगा, मेरा फ़िलहाल ये है कि इसको 10 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं 10 मिनट्स के जी। तो ये देखें कि इसको मैंने 10 मिनट्स के बाद इसका पानी भी ड्राई हो गया और इसकी ये कंडीशन है। अब इसकी जो है मैं भुनाई करूँगी, इसमें तकरीबन जो है 1/2 कप जो है वो ऑयल डलेगा, ठीक है, भुनाई के बाद फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त की भुनाई हो गई है, 15 से 20 मिनट में जो है ये गोश्त फूट गया है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो गोभी है ना ये थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी, ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी गोभी मैंने डाल दी है, ठीक है। अब आप परेशान होंगे जी गोभी ये भर गया कुकर, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता, आपको भी पता है कि इस पे पानी भी होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं 2-4 मिनट के लिए जो है वो ढाँप दूँगी, ठीक है, जो गोभी फिर नीचे हो जाएगी तो फिर इसका पानी जो है वो निकलेगा, जिसको कि मैं भुनाई में पानी को ख़त्म करूँगी, ठीक है। इसका ये भी कि हम साथ में ये भुन भी जाएगी और साथ में ये क्या है कि ये तैयार भी हो जाएगी, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ जब ये इसको अपनी असल शक्ल में आती है। अब ये गोभी ने ये शक्ल इख्तियार कर ली, इसने पानी छोड़ा है, ठीक है। इस तरह से मैं इसकी भुनाई करती जाऊँगी, जो जो ये पानी छोड़ती जाएगी, तो बस भुनाई करते करते ये घी छोड़ देगी तो सालन तैयार हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है इसमें। बहुत मज़े का ये सालन बनता है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ बार बार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है ये गोभी ना। और देखिएगा अगर ये आपसे कटर ले लें, बाज़ार से मिल जाते हैं, मेरे पास तो ये वाला कटर है, मैं इसके साथ इसको ना इस कटर से ना मैं इसको गोभी को कर लेती हूँ, ये फटाफट बारीक भी बहुत कट करती है
और ये सही भी रह जाती है, इक्वल भी बनती है, ठीक है ना। छुरी से बेहतर है आप इसे कर ले तो ये ज़्यादा अच्छी रह जाएगी, ठीक है। देखिए जी, ये गोभी भुनाई की तरफ ऑयल भी आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें नहीं है, ठीक है जी। तो अभी ये चम्मच के साथ पानी हल्का हल्का है, ये पानी खुशक होगा और इसकी जो भुनाई है बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगी और गोभी कम हो जाएगी। जब आप देख रही थी कि इतना बड़ा भरा हुआ बर्तन था और उसके बाद ये कैसे पानी खुशक हुआ है, तो उसमें इतना पानी माशाल्लाह से होता है, ये बड़ी फ़ायदेमंद है, सबको खानी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए खाने में। और इसके साथ ही ये हरी मिर्ची आप 4 से 5 डाल दें, ज़्यादा डाल दें आपकी मर्ज़ी, इसकी ज़रा खुशबू से टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये डिश बहुत पसंद आई होगी, बिल्कुल नहीं है बंद गोभी और गोश्त मज़े का बनता है बनाएं, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है आपको, और सब्सक्राइब करना शेयर करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।